आज हम बना रहे हैं आलू की तहारी। आलू की तहारी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिए 3 कप राइस है, उनको मैंने अच्छे से धो के और भिगो दिए। हाफ आवर के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ में मैंने लिए हैं 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया, 2 मैंने टोमेटोज को बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया, 2 टेबलस्पून अचार लिया, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, 1 बड़े साइज के आलू को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। अगर तो आपको बड़े आलू साइज में अच्छे लगते हैं और तहारी में बड़े साइज के आलू अच्छे लगते हैं तो आप बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे स्लाइसेस में काटा। 1 मीडियम अनियन लिया, 1 टेबलस्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 ग्रीन चिलीज को बारीक कट कर लिया, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला लिया मैंने इसमें, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को अपने पैन में डालेंगे। और इसको अच्छे से हम गर्म करेंगे। और इसके बाद हम इसमें अनियन डालेंगे। इसको गोल्डन की शेप में टाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, बस गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस स्टेज पे हम इसमें साबुत गरम मसाले को ऐड करते हैं। बहुत खूबसूरत सा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े की खुशबू आती है गरम मसाले को अगर आप स्टार्ट में ऐड करते हैं फ्राई होने के लिए। इसके साथ हम ऐड कर देंगे यहाँ पे और साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ग्रीन गार्लिक, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी जल्दी कुक हो जाए। यहाँ पे हम साथ में पाके के मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, कुटी हुई मिर्च है, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज, धनिया पाउडर, अचार दिए। मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए कि उसको आगे कितनी प्यारी खुश करे, कितना प्यारा बना रहे मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी। राउंड अबाउट 4 मैंने ग्रीन चिलीज ली है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैं इसमें अब टोमेटोस ऐड करने लगी हूँ, थोड़ी सी भुनाई करके फिर पानी ऐड कर। मैंने तकरीबन 4 कप पानी ऐड किया क्योंकि मेरे चावल आधे घंटे से भीगे हुए थे, बस अब हम इसको पकाएंगे। जब तक आलू कुक नहीं होते तब तक, और जैसे ही हमारे आलू 90% कुक होंगे हम इसमें राइस ऐड करेंगे और उसके बाद उसको दम लगा देंगे।
हमारे आलू 90% कुक हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस। इसको हम कवर कर देंगे। इतने हमारे राइस कुक हो रहे हैं, हम रायता बनाते हैं। रायते के लिए हमारे हाफ कप ग्रीन कोरिएंडर, मिंट लिया हमने थोड़ा सा, हाफ टी स्पून हमने लिया है जीरा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 4 to 5 हमने लिए ग्रीन चिली। आप ये ग्रीन चिलीज अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इन सबको ग्राइंड करेंगे। सब चीजों को हमने ब्लेंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिए। अब हम अपने नीड के अकॉर्डिंग चटनी को रायते में ऐड करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर, बहुत खूबसूरत सा इसका टेस्ट है। हमारा मजेदार सा रायता रेडी है। ये देखें हमारे पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम दो, बिल्कुल लाइट सी आंच पे इसको हम दम दे रहे हैं। तकरीबन 10 to 15 मिनट का हम इसको दम देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, चावलों को दम आ चुका है। ये देखिए कितनी मजेदार सी खुशबू आ रही है और कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें आज की हमारी रेसिपी रेडी है, हमारी तहारी रेडी है। तहारी विद अचार, तहारी में जो अचार का टेस्ट है वो बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ में हमारा ग्रीन रायता एंड ग्रीन चटनी। मुझे अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें उसे, और जो आप मजीद आप कोई वीडियो या कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर